हेलो दोस्तों, यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल का आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। जीआईबी सीआईबी और बैंक प्रमोशन से संबंधित हमें बात कर रहे हैं बैंक प्रमोशन एग्जाम, और ये जो वीडियो रहेगा काफी हेल्पफुल है। ये क्वेश्चन है, बैंक प्रमोशन क्वेश्चन जो है पीएनबी एसबीआई यूबीआई यूनियन बैंक यूको बैंक और दूसरे बैंक के लिए। पहला सवाल देखिए, वेयर द कंपनी अंडरटेकिंग सर्टेन एक्टिविटी विच डज नॉट फॉल विद इन इट्स ऑब्जेक्ट क्लाउज, इट इज कॉल्ड द एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी फॉर सच एक्टिविटी। बोलता है कि जहां पे कंपनी अंडरटेक करता है उस तरह की एक्टिविटी जो कि उसके दायरे में नहीं आता है, तो ये जो एक्सटेंट होता है लाइबिलिटी का कंपनी का, उस तरह की एक्टिविटी को क्या बोलेंगे। पहला ऑप्शन है इंट्रावायर्स, दूसरा ऑप्शन है आपका इंट्रावायर्स फुली लाइबल, दूसरा ऑप्शन अल्ट्रावायर्स नो लाइबिलिटी, तीसरा ऑप्शन अल्ट्रावायर्स कंपनी लाइबल, चौथा ऑप्शन है इंट्रावायर्स लाइबिलिटी टू बी डिटरमाइंड बाय द आरओसी। ठीक है, यहाँ जो डिटरमाइन कौन करेगा, आपका आरओसी करेगा। ओके, आरओसी है तो यानी रजिस्टर्ड ऑफ कंपनीज। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा इस केस में, इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी अल्ट्रावायर्स है और कोई लाइबिलिटी नहीं है। दूसरा सवाल देखिए, जो भी कंप्लेंट्स कैन बी मेड टू द बैंकिंग ऑम्बड्समैन ओनली इन केस ऑफ द फॉलोइंग। बोलते जो कंप्लेंट आप बैंकिंग ऑम्बड्समैन को कर सकते हैं सिर्फ फॉलोइंग केसेस में। पहला है वेयर बैंक डिड नॉट सेंड एनी रिप्लाई फॉर ए पीरियड ऑफ एटलीस्ट टू मंथ्स। दूसरा ऑप्शन है द इशू हैज लुक्ड इनटू द ऑम्बड्समैन बट कस्टमर इज नॉट सेटिस्फाइड। तीसरा ऑप्शन है द कंप्लेंट रिलेट्स टू लोन वेयर बैंक इज डिमांडिंग कोलैटरल सिक्योरिटी ऑफ वैल्यू हायर देन द सैंक्शन अमाउंट। चौथा है वेयर बैंक इज नॉट कम्प्लाइंग विद फेयर प्रैक्टिस कोड फॉर लेंडर्स लाइबिलिटी। तो किस केस में आपको बैंकिंग ऑम्बड्समैन में आप जा सकते हैं, केवल वही केस है। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है, ठीक है, यानी जो डी ऑप्शन है वो सही है कि बैंक अगर कम्प्लाई नहीं करता जो फेयर प्रैक्टिस कोड है लेंडर्स लाइबिलिटी का, तो आप आरबीआई में कंप्लेन कर सकते हैं। आरबीआई मीन्स बैंकिंग ऑम्बड्समैन जो उनका टीम है वहां पे कंप्लेन कर सकते हैं। तीसरा सवाल है अंडर सेक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट द मॉर्टगेज इज ट्रांसफर ऑफ टू सिक्योर ए लोन विच कैन बी एग्जिस्टिंग एंड लोन। बोलता है सेक्शन किस सेक्शन के तहत ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट है जहां पे मॉर्टगेज ट्रांसफर कर सकता है सिक्योर लोन को जो कि एग्जिस्टिंग लोन है, तो ये एग्जिस्टिंग लोन है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दिया है 58 सेक्शन 58 इवेबल प्रॉपर्टी फ्यूचर, बी ऑप्शन है आपका 58 मतलब सेक्शन हो सेक्शन 58 इंटरेस्ट इन स्पेसिफाइड इवेबल प्रॉपर्टी फ्यूचर, सी ऑप्शन है सेक्शन 130 मूवेबल एसेट्स ऑल, डी ऑप्शन है सेक्शन 130 इंटरेस्ट इन स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी फ्यूचर। जो सही ऑप्शन हो जाएगा इस केस में वो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे बी ऑप्शन आ जाएगा, यानी सेक्शन 58 इंटरेस्ट इन स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी फ्यूचर। चौथा सवाल है ए सर्टिफाइड कॉपी ऑफ एन एंट्री इन ए बैंक बुक इज रिसीव्ड एज ए प्रिमा फेसी एविडेंस ऑफ द एग्जिस्टिंग ऑफ सच ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ सच एंट्री इन ऑल लीगल प्रोसीड्स अंडर द प्रोविजंस ऑफ। बोलते जो सर्टिफाइड कॉपी होता है जहां पे बैंक की बुक में एंट्री कराई जाती है जो कि रिसीव होता है मुख्य रूप से प्रिमा फेसी यानी सबूत के तौर से, यानी प्रमुख चीज है वो एविडेंस के रूप में जहां पे एग्जिस्टेंस होता है इस तरह के एंट्री का, तो सारा लीगल प्रोसीड किस प्रोविजन के तहत कवर होगा। तो पहला ऑप्शन हो गया, तो इस केस में जो पहला इट इज ए ऑप्शन क्या है, इंडियन एविडेंस एक्ट है, फिर है दूसरा ऑप्शन है आपका सिविल प्रोसीजर कोड है, तीसरा है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, चौथा है बैंकर्स बुक एविडेंस है, यानी सही ऑप्शन हो जाएगा इस केस में बी सिविल प्रोसीजर कोड। पांचवा सवाल है रीजनल रूलर बैंक्स आर, जो रीजनल रूलर बैंक है वो क्या है, तो जो इसका ऑप्शन है आपका पहला दिया हुआ कि कॉपरेटिव सोसाइटी है, दूसरा ऑप्शन है कंपनीज क्रिएटेड अंडर कंपनीज एक्ट है, सी ऑप्शन है बॉडीज कॉर्पोरेट क्रिएटेड अंडर ए स्पेशल स्टेट्यूट है, डी ऑप्शन है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट है। जो सही ऑप्शन हो जाएगा इस केस में वो हो जाएगा सी, यानी ये बॉडी है जो कॉर्पोरेट जो बॉडी है जो फॉर्म किया गया है क्रिएट किया गया अंदर स्पेशल इंस्टीट्यूट। छठा सवाल है ए बैंक इज ऑफर्ड द फॉलोइंग सिक्योरिटीज बाय विच बोरोवर टू सिक्योर हिज लोन, विच ऑफ दीज विल बी गिवन प्रेफरेंस ओवर द अदर सिक्योरिटीज। जो बोलता है जो बैंक है यहाँ पे उसको ऑफर किया गया सिक्योरिटीज, ताकि जो बैंक यहाँ पे ऑफर कर रही है सिक्योरिटीज मतलब उसको चाहिए सिक्योरिटी चाहिए, ठीक है, बोरोवर के द्वारा, यानी जो बैंक लोन दे रही है तो बोरोवर उसके बदले सिक्योरिटीज देने को तैयार है, तो इसमें बोलता है किस तरह की चीज को प्रेफरेंस मिलेगा सिक्योरिटीज के ऊपर। तो पहला ऑप्शन है कि मॉर्टगेज ऑफ कमर्शियल शोरूम वैल्यूइंग 200% ऑफ लोन अमाउंट, दूसरा ऑप्शन है
हाइपोटेकेशन ऑफ स्टॉक्स ऑफ गुड्स वैल्यूइंग 150% ऑफ लोन अमाउंट, तीसरा ऑप्शन है शेयर्स ऑफ रेप्यूटेड कंपनी लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज बीइंग 200% ऑफ लोन अमाउंट, डी ऑप्शन है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इश्यूड बाय द LIC बीइंग 125% ऑफ लोन अमाउंट, जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ठीक है, यानी LIC का सबसे महत्वपूर्ण रखता है। तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इश्यूड बाय LIC ऑफ इंडिया बीइंग 125% ऑफ लोन अमाउंट। सातवां सवाल है विच अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक एक्सेप्ट रिलेटिव्स अंडर सेक्शन 45S ऑफ RBI एक्ट, बोलता है कि इनमें से कौन सा चीज है जो कि एक्सेप्ट नहीं कर सकता डिपॉजिट पब्लिक के द्वारा, जहां पे कि अंडर सेक्शन 45S ऑफ RBI एक्ट के तहत। तो उसमें चार पॉइंट्स बताए हुए आपको, ए पॉइंट जो है इंडिविजुअल, बी पॉइंट है फर्म्स, सी पॉइंट है अन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सन, डी है प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी हुज प्रिंसिपल बिजनेस इज लैंडिंग और एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स। इसमें जो ऑप्शन है आपको चूज करना है, पहला ऑप्शन बोलता है ए टू सी ऑल, दूसरा ऑप्शन बोलता है ए बी एंड डी ओनली, सी बोलता है, तीसरा बोलता है बी सी, ठीक है, एंड डी, चौथा ऑप्शन है ओनली डी, ठीक है, और आखिरी का एक ऑप्शन है ई ऑप्शन बी, समझे। तो यहाँ पे ई ऑप्शन है, तो ई ऑप्शन में हो जाएगा ए टू डी ऑल, ठीक है, ई ऑप्शन क्या हो जाएगा ए टू डी ऑल। तो इस केस में जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका हो जाएगा ए, ठीक है, ए टू सी ऑल, ए नहीं मतलब वन हो जाएगा ए टू सी ऑल, ठीक है, ये फिफ्थ ऑप्शन, ठीक है, पहला ऑप्शन हो जाएगा ए टू सी ऑल। आठवां सवाल है द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉर्मेशन ऑफ RBI बाय इनएक्टिंग RBI एक्ट 1934 वाज टू, आठवां सवाल है द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉर्मेशन ऑफ RBI बाय इनएक्टिंग एक्ट RBI एक्ट 1934 वाज टू, बोलता है कि जो मेजर ऑब्जेक्टिव था RBI को इनेक्ट करने का, फॉर्म करने को क्या था, पहला ऑप्शन है रेगुलेट द इश्यू ऑफ बैंक नोट्स, बी ऑप्शन है कीप रिजर्व्स फॉर सिक्योरिंग मॉनेटरी स्टेबिलिटी इन इंडिया, सी ऑप्शन है टू ऑपरेट द करेंसी एंड क्रेडिट सिस्टम ऑफ इंडिया, डी ऑप्शन है टू कंट्रोल ओवर कैपिटल ओवर द कैपिटल एंड फॉरन एक्सचेंज मार्केट। तो इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं, तो पहला ऑप्शन है ए टू डी ऑल, दूसरा ऑप्शन है बी सी एंड डी ओनली सी, तीसरा ऑप्शन है आपको ए सी एंड डी, ठीक है, और चौथा ऑप्शन जो दिया हुआ है ए टू सी ओनली। इस केस में जो सही ऑप्शन आ जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, डी मतलब यहाँ पर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन ई टू सी ओनली। नवा सवाल है फॉर बैंकिंग बिजनेस द बैंकिंग कंपनीज आर लाइसेंस्ड बाय, बोलते जो बैंकिंग बिजनेस है उसमें बैंकिंग कंपनीज को लाइसेंस कौन देती है, पहला ऑप्शन RBI, दूसरा ऑप्शन कंपनी लॉ बोर्ड, तीसरा ऑप्शन रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, चौथा ऑप्शन है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, पहला ऑप्शन है ए टू डी ऑल, दूसरा ऑप्शन है ओनली ए टू सी, तीसरा ऑप्शन ओनली ए एंड डी, चौथा ऑप्शन है ओनली ए। जो सही ऑप्शन आ जाएगा इस केस में वो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा केवल ए, यानी बैंकिंग बिजनेस को जो लाइसेंस देती है सिर्फ और सिर्फ RBI के अलावा कोई नहीं दे सकती है, यानी फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। दसवां सवाल देखिए, बोलता है फॉर एन इंडियन बैंक एज पर सेक्शन 11 ऑफ BRA यानी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट द मिनिमम पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व शुड बी, बोलता है जो भारतीय बैंक होते हैं जो कि उनका सेक्शन जो भारतीय बैंक के लिए जो सेक्शन डाला हुआ है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में BRA एक्ट में जो सेक्शन 11 बोलता है कि कम से कम यानी मिनिमम जो पेड अप कैपिटल रिजर्व होगा वो कितना होना चाहिए, पहला ऑप्शन दिया हुआ मतलब ए पॉइंट है ₹5 लाख इफ बैंक इज हैविंग बिजनेस इन मोर देन वन स्टेट, बी पॉइंट है ₹10 लाख इफ बिजनेस इज मोर देन वन स्टेट एंड इंक्लूड्स मुंबई और कोलकाता और बोथ, सी ऑप्शन ₹2 लाख इफ प्लेस ऑफ बिजनेस इज इन वन स्टेट एंड डज नॉट इंक्लूड मुंबई और कोलकाता। तो यहाँ पहला पॉइंट ऑप्शन है ए टू सी ऑल आर ऑल करेक्ट, दूसरा ऑप्शन है ए एंड बी ओनली करेक्ट, सी तीसरा ऑप्शन है आपको बी एंड सी ओनली करेक्ट, चौथा ऑप्शन है ए एंड सी ओनली करेक्ट। तो इस केस में जो सही ऑप्शन आ जाएगा आपका वो क्या हो जाएगा, दसवां का बी, यानी बी मतलब सेकंड पॉइंट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा ए एंड बी ओनली करेक्ट। तो यहाँ पे एक मेगा ऑफर है, यहाँ पे आपका बैंक प्रमोशन का हम लोग कोर्स प्रोवाइड करते हैं जिसमें कि पूरा का पूरा वीडियो लेक्चर कोर्सेज रहेगा, 3000 सेट ऑफ क्वेश्चन बैंक रहेगा और क्विक रिविजन नोट रहेगा और इन सभी की वैलिडिटी लाइफ लॉन्ग रहती है। ये कोर्स जो होता है आपका ऑनलाइन मोड पे होता है, ठीक है, यहाँ पे आपको लॉग इन आईडी और पासवर्ड मिलेगा। अगर आप कोई भी सिंगल JIB CIB या फिर बैंक प्रमोशन पेपर खरीदते हैं इसका दाम है ₹2000, ऑफर प्राइस का दाम रहेगा ₹600। अगर आप JIB का कॉमो पैक खरीदते हैं तीनों पेपर एक साथ खरीदते हैं जिसका दाम है ₹4500, ऑफर प्राइस का दाम रहेगा ₹1500। अगर आप CIB का दोनों कंपलसरी पेपर खरीदते हैं AMM प्लस BFM जिसका दाम है ₹3500, ऑफर प्राइस का दाम रहेगा ₹1100।
अगर आप सीआईबी का दोनों कंपलसरी पेपर प्लस रिटेल बैंकिंग खरीदते हैं तो दाम में 4,500 रुपए और पैसे दाम रहेगा 1,500 रुपए। 10 मॉक टेस्ट खरीदते कोई पेपर का दाम है 199 रुपीज और कॉम्बो पैक मॉक टेस्ट का 399 रुपीज। ज्यादा जानकारी के लिए फोन भी कर सकते हैं, फोन नंबर हो गया 4x9685127, दूसरा नंबर है 7827546946। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, वेबसाइट हो गया www.jibcibstudymaterial.com, ईमेल आईडी हो गया sitsina123@gmail.com।